हेलो आल, आज का जो पेटेंटेड कॉन्सेप्ट है जो वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, प्रोफेसर्स, टीचर्स या साइंटिस्ट लोगों ने पेटेंट किया है, तो वन बाय वन मैं पेटेंट जो हुए हैं उससे रिलेटेड आपको केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके भी ब्रेन में नए कॉन्सेप्ट आ सकें। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सीडेंट प्रिडिक्शन है। व्हीकल से रिलेटेड जो एक्सीडेंट होते हैं उसको प्रिडिक्ट किया जाता है। पूरा प्रोसेस क्या है अगर हम वन बाय वन समझे तो कार का एक्सीडेंट प्रिडिक्ट करना है कि कोई व्हीकल किसी रोड पे मूव कर रही है तो कितने परसेंट चांसेस है एक्सीडेंट होने का, एक्सीडेंट की प्री नोटिफिकेशन कैसे कर दें हम, एक्सीडेंट होने के चांसेस अगर इस रोड पे हैं तो हम ड्राइवर्स को कैसे अलर्ट करें कि व्हीकल की स्पीड स्लो कर दे, कार की स्पीड स्लो कर दे। तो ये पूरा 10 सालों के 20 सालों के डेटाबेस के आधार पे जिस रोड पे कार चल रही है उस रोड की केस स्टडी डेटाबेस का जो कलेक्शन है उसके आधार पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एआई प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स लगा के उस रोड पे कितने एक्सीडेंट पहले हुए हैं, किस स्पीड पे हुए हैं, कौन कौन से टर्म कंडीशन पे हुए हैं, वो सारा डेटाबेस कलेक्ट किया गया होता है वो डेटाबेस सिस्टम्स में। उसके आधार पे हमारा मशीन लर्निंग एआई बेस्ड लर्निंग प्रोग्रामिंग डिसीजन लेता है, प्रिडिक्ट करता है कि अगर कोई व्हीकल इस रोड पे, कोई कार इस रोड पे इस स्पीड से जा रही है और ड्राइवर की ये कंडीशन है, ठीक है, स्लीपिंग मोड में है, नॉन स्लीपिंग मोड में है, एल्कोहलिक मोड में है, ये सारा कुछ जो डिवाइस लगा हुआ है उससे प्रिडिक्ट होता है। उसके बाद वो डिवाइस ड्राइवर्स को अलर्ट करता है कि गाड़ी की स्पीड स्लो करो, एक्सीडेंट होने के चांसेस तुम्हारे इंक्रीज हो जा रहे हैं, प्री इंफॉर्मेशन देगा। तो ये एक पेटेंटेड कॉन्सेप्ट आया कि जो इवेल्युएशन डेटाबेस है, प्रीवियस 10 to 20 ईयर के डेटाबेस है उसके आधार पे और ड्राइवर की कंडीशन, कार की कंडीशन, कार की स्पीड, सिचुएशन, टेम्परेचर, मौसम कैसा है, उसके आधार पे एक प्रिडिक्शन ड्राइवर को मिलता है कि भाई इस रोड पे तुम चल रहे हो तो कार के एक्सीडेंट होने के चांसेस है, काइंडली या तो रुक जाओ या तो गाड़ी की स्पीड स्लो करो। तो ये पहला पेटेंट प्रिडिक्शन, एक्सीडेंट प्रिडिक्शन से निकले रिलेटेड निकला। फिर नेक्स्ट पेटेंट आया ट्रेन, ट्रेन की एक्सीडेंट प्रिडिक्शन कैसे, हम ट्रेन के ड्राइवर को कैसे हम अलर्ट कर सकें कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हो सकती है ताकि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की स्पीड को स्लो करे या ड्राइवर स्लीपिंग मोड में है तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हो जाए। तो वही 10 to 20 ईयर का जो डेटाबेस हमारे पास है ट्रेन से रिलेटेड, ट्रेवलिंग से रिलेटेड ट्रेन का, उस डेटाबेस के आधार पे हमारा जो एल्गोरिथम्स, जो इस पेटेंट का एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग से एल्गोरिथम है, उसके आधार पे वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये ट्रेन अगर इस रूट से इस रूट पे जा रही है तो उस ट्रेन को मॉनिटर करते हुए ट्रेन के वो डैशबोर्ड पे ही वो किट लगा होता है, सारी सिचुएशन को प्रिडिक्ट करते हुए, कार की स्पीड को प्रिडिक्ट करते हुए, ड्राइवर की कंडीशन को प्रिडिक्ट करते हुए, इंजन की क्या कंडीशन है प्रिडिक्ट करते हुए, टेम्परेचर, बाहर के एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है, रोड की कंडीशन कैसी है, ये सारा प्रिडिक्शन के आधार पे वो डिवाइस क्या होता है ड्राइवर को अलर्ट करता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, इस कृपया या तो व्हीकल ट्रेन को रोक दो या तो ट्रेन की स्पीड स्लो कर दो या जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन के आधार पे ड्राइवर को अलर्ट करता है ये प्रिडिक्शन सिस्टम। तो ट्रेन का है एक्सीडेंट प्रिडिक्शन का प्री इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्चर्स ने पेटेंट किया और इसका एडवांटेज आने वाले टाइम इंडिया में भी होगा, बाकी अदर कंट्री में जो फास्ट ट्रेन है, सुपर फास्ट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है, वहां पे एक्सीडेंट से प्रिडिक्शन रिलेटेड प्री इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हो चुके हैं। तो इस पेटेंट का एडवांटेज आप देख रहे हैं कि जो सुपर फास्ट ट्रेन है वहां पे प्री इंफॉर्मेशन प्री प्रिडिक्ट हो जाता है कि ट्रेन के एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से ड्राइवर्स या फिर ऑटो कंट्रोल स्पीड और ट्रेन है तो ऑटोमेटिक वो डिसीजन लेके अपने स्पीड को स्लो करता है, सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेता है। फिर नेक्स्ट पेटेंट आया एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट का प्रिडिक्शन, एयरक्राफ्ट जब एयर में है तो उसके एक्सीडेंट के क्या चांसेस है, एयरक्राफ्ट कितना पुराना है, इंजन की क्या कंडीशन है, ड्राइवर कितना एक्सपर्ट है, ड्राइवर की क्या कंट्रोलिंग कैपेसिटी है, एयर का बाहरी एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है, इसके आधार पे वो जो किट है, वो जो डिसीजन है, मशीन लर्निंग एआई बेस्ड प्रोग्रामिंग, डीप लर्निंग प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ डिसीजन लेता है
और एक प्री इंफॉर्मेशन प्री नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो सकता है, काइंडली कंट्रोल्ड करें, या तो लैंड कर लें या तो स्लो स्पीड कर दें, क्योंकि एनवायरनमेंट उस तरह का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंजन सपोर्ट नहीं कर रहा है, या ड्राइवर उतना एक्सपर्ट नहीं है इस कंडीशन में चलाने के लिए। तो प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि ड्राइवर्स या पायलट्स उस पर डिसीजन ले सके और एक्शन ले सके। फिर नेक्स्ट आया एरोप्लेन एक्सीडेंट प्रिडिक्शन, कि एरोप्लेन्स जो मल्टीपल एरोप्लेन्स एयर में हैं, उड़ रही हैं, इंडिगो हो गया, एयरलाइंस हो गए, इन सभी का प्रिडिक्शन सिस्टम है। इसके आधार पर ड्राइवर को जो डेटाबेस है, जो हमारा जो पेटेंट का कॉन्सेप्ट है, वो प्रीवियस डेटाबेस उस एरोप्लेन्स का पूरा देता है, उसकी इंजन की कंडीशन, ड्राइवर की एक्सपर्टाइज कंडीशन, अदर इन्वायरमेंट कंडीशन, टेम्परेचर की कंडीशन, कंट्री में एयर की कंडीशन, ट्रैफिक में एयर की कंडीशन, कितना प्रेशर, ये सारा कुछ वो किट सेंस करता है, प्रिडिक्ट करता है। उसके आधार पे पायलट को प्रिडिक्टिव इंफॉर्मेशन देता है कि एरोप्लेन क्रैश हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है, काइंडली आप या तो स्लो करें स्पीड, या तो हाइट पे और ले जाके स्पीड फास्ट करें, जो भी सिचुएशन होगी वो अलॉट एडॉप्ट करता है। कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है कि काइंडली डाउन करें, स्पीड को स्लो करें और नीचे की तरफ आए, कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन होता है कि थोड़ा स्पीड फास्ट करें और ऊपर हो जाए। वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड एयर कंडीशन के आधार पे वो डिवाइस जो है वो प्रिडिक्ट करता है और पायलट को इन्फॉर्मेशन देता है। उस हिसाब से पायलट अपने आप को एरोप्लेन को ट्रेंड और कंट्रोल्ड करता है ताकि एक्सीडेंट को बचा सके, एक्सीडेंट को रोक सके। फिर नेक्स्ट पेटेंट आया, ये जो सी प्लेन है, जो वाटर पे उतरने वाली प्लेन बनाई गई है, ये रिसेंटली रिसर्च हुए हैं, 10 to 20 ईयर का एक्सपीरियंस इनोवेशन है बाहर के कंट्री में, और अदर कंट्री इंडिया में भी अडॉप्टेड होने वाला, कि कोई भी एरोप्लेन को हम वाटर पे लैंड कराते हैं, जो सी वाटर है, सी एरोप्लेन वाटर पे लैंड कराते हैं, तो क्या एक्सीडेंट होने के क्या प्रिडिक्शन सिस्टम है, कितना परसेंट प्रिडिक्शन है, ये सारा कुछ डिवाइस जो उस पे किट लगे हुए हैं, जो सेंसर्स अदर कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, थ्रू मशीन लर्निंग, थ्रू AI प्रोग्रामिंग, थ्रू डीप लर्निंग, अदर तरह के एल्गोरिथम्स के थ्रू वो प्रिडिक्ट किया जाता है। जो डेटाबेस है, प्रीवियस डेटाबेस 20 ईयर का डेटाबेस लिया जाता है, उस सी प्लेन की इंजन की कंडीशन, ड्राइवर के कंडीशन, सी प्लेन में पैसेंजर कितने हैं, लेफ्ट में कितने बैठे हैं, राइट में कितने बैठे हैं, सारा कंडीशन के आधार पे वो किट डिसीजन लेता है, एरोप्लेन पायलट को इन्फॉर्मेशन करता है, इन्फॉर्म करता है कि प्रोडक्ट एक्सीडेंट होने के चांसेस है, काइंडली दिस पैरामीटर यू कैन टेक केयर। तो नेक्स्ट पेटेंट ये एक्सीडेंट प्रिडिक्शन सी वाटर सी प्लेन से रिलेटेड आया। फिर नेक्स्ट पेटेंट आया आपका जो फाइटर प्लेन हमारी है, फाइटर प्लेन्स जो है जब कभी युद्ध में जाती हैं तो वो अपनी कंडीशन अपने शर्तों पे आधार पे फ्लाइट करती हैं कुछ, तो फाइटर प्लेन ऑटोमेटिक टेक डिसीजंस लेते हैं, वहाँ पे ड्राइवर्स नहीं होते हैं, एरोप्लेन मतलब ड्राइवर मीन्स की पायलट नहीं होते हैं। ऐसे कंडीशन में जो हमारा प्रिडिक्शन सिस्टम एक्सीडेंट प्रिडिक्शन सिस्टम है, ऑटोमेटिक जब हमारा फाइटर प्लेन डिसीजन लेता है तो उसको हेल्प करता है कि एक्सीडेंट होने के ये चांसेस, बाहर का टेम्परेचर ये है, बाहर की इन्वायरमेंट कंडीशन ये है, बाहर में तूफान आधी इस रेट में चल रहा है, अदर कंट्री के जो फाइटर प्लेन है इस तरह से अटैक कर सकते हैं, वो मशीन लर्निंग डेटाबेस आधार पे प्रोग्रामिंग्स की गई है जो अलॉट करता है, ट्रेंड करता है ताकि जो पायलट है उस हिसाब से डिसीजन ले सके। ऑटोमेटिक अगर पायलट मोड में है एयरक्राफ्ट वो फाइटर प्लेन, तो ऑटोमेटिक डिसीजन ले सके और अपने एक्सीडेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये प्रिडिक्शन सिस्टम इनबिल्ट हुआ फाइटर प्लेन में। फिर सी प्लेन आए, सी प्लेन या अंडरग्राउंड प्लेन जो आए, जिसको हम सबमरीन बोलते हैं, सबमरीन वाटर के समुद्र के अंदर चल रही है, तो उनके एक्सीडेंट के क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन बन सकते हैं, प्रिडिक्ट होता है उसके हिसाब से। जो सी प्लेन वो सबमरीन में चालक जो होता है उसको उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उस हिसाब से उसके पास नोटिफिकेशन आता है, इस आधार पर वो डिसीजन लेता है कि हमें क्या और कैसे करना है। तो जो आज का जो इन्वेंटेड पेटेंटेड कॉन्सेप्ट था, आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि प्रिडिक्शन भी हम कर सकते हैं डेटाबेस के आधार पे, अपना एल्गोरिथम मशीन लर्निंग AI बेस्ड प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग जावा से कोड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करके, जो प्रीवियस डेटाबेस है, प्रीवियस हिस्ट्री है, करेंट सिनारियो है, करेंट बाहर का टेम्परेचर है, करेंट बाहर की इन्वायरमेंट कंडीशन है, इंटरनल इंजन की क्या कंडीशन है, ड्राइवर की पोजीशन क्या है,
ड्राइवर किस मोड में है, ड्राइवर का फेस डिटेक्ट करना, ये लगभग 20-30 फंक्शंस के आधार पे ये प्रिडिक्शन सिस्टम है जो प्रिडिक्ट करता है कि ये व्हीकल का एक्सीडेंट हो सकता है, उसके पहले ही प्रिडिक्टिव नोटिफिकेशन दे देता है पायलट, ड्राइवर या फिर जो भी पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है, ताकि वो डिसीजन ले सके। तो ये एक ग्रेट इन्वेंशन रहा, जिसके वजह से ट्रैवलिंग की दुनिया में हमें प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन पहले से पता चलने लगा कि एक्सीडेंट होने के हमें चांसेस है, ताकि हमारा ड्राइवर प्लेन ड्राइवर और बाकी अदर जो कंट्रोलिंग यूनिट है उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दिया गया, इन सभी लोगों के इन्फॉर्मेशन दिया गया, ताकि वो अधिक से अधिक सेफ्टी प्रिकॉशंस को मेजर कर सके, अदर इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें और एक पॉजिटिव डिसीजन ले सके कि हमें क्या और कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सीडेंट को रोकना है या प्रिडिक्ट करना है। इन सारी सिचुएशन के हिसाब से आप भी सोच सकते हैं कि जब हम प्री इन्फॉर्मेशन प्रिडिक्शन के आधार पर डिसीजन ले सकते हैं, तो आप सभी टीचर्स प्रोफेसर आप अपने स्टूडेंट को, अपने रिसर्चर स्टूडेंट को, टीचर्स को इन्फॉर्म करें, प्रोवाइड करें मैसेज की आप कोई भी एक सोसाइटी के प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, इंडस्ट्री के प्रॉब्लम फाइंड आउट करें और एक सोल्यूशन देने का प्रयास करें। अगर वो सोल्यूशन पॉजिटिव रहेगा, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा, तो कंट्री के लिए, देश के लिए, इंस्टीट्यूशनल के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो एक एडवांटेज होगा और फाइनली वो पेटेंट में कन्वर्ट होगा। थैंक यू टू ऑल।